जैसा अपना नाम बताएं। डॉक्टर जेके गौतम। हाँ जेके गौतम जी, आज आपसे बात करना चाहेंगे। कल यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने जो है भारतीय संविधान की प्रति जलाई गई कुछ मनवादी लोगों के द्वारा, तो आज जो यहाँ वाक्य रहा है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमें भी रात को मालूम चला कल कि इस तरह की घटना यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ है। हाँ, तो हमने सुबह लोगों को बोला, कुछ साथियों को, कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट आइए वहाँ पे। तो हमने एस एच ओ साहब से बात की, उन्होंने डीसीपी साहब के पास भेजा और पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये सबसे बड़ा अपराध है जी। भारत में इससे ज़्यादा अपराध नहीं, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि संविधान की प्रतियाँ को जलाएगा। ठीक है, इस पर जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी वो हम कराना चाहेंगे, और अगर ये दो दिन में इन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। हम लोग एक तरफ चप्पी चप्पी पे इतनी पुलिस है और हर एक आदमी की चेकिंग कर रही है, जब यहाँ धरना प्रदर्शन की बात आती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, और बगैर परमिशन लिए क्या ये प्रतियाँ इस तरीके संविधान की जलाई जा सकती हैं क्या? देखिए, चार साल में जो बदलाव देश में वो आपको भी मालूम है, मीडिया को साइलेंस कर दिया है, सारी चीज़ों को साइलेंस कर दिया है। तो वो जो लोग कर रहे थे वो प्रशासन को मालूम था, सरकार को मालूम था, सबको मालूम था ये वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सब पे प्रेशर है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और ये सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की नाक के नीचे जहाँ पे पीएम साहब बैठते हैं और ये कांड हो रहा है। देश जिस संविधान की कसम खा के पीएम साहब बने हैं, वो कहते मैं चाय वाला था, संविधान की ताकत से मैं पीएम बना, वो संविधान की प्रतियां जला रहे हैं लोग, पर मालूम नहीं है देश में, मीडिया साइलेंस हो गया, उसको मालूम नहीं क्या हुआ है, सबको मालूम है, लोग हंस रहे थे वहाँ पे जो फोर्स थी वो जब नारे लगा रहे थे बाबा साहब मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद, और जला रहे थे तो लोग हंस रहे थे। तो ये क्या है, ये तो मनुवादी आपका, सोच है। आपका क्या मानना है कि उन लोगों के ऊपर नेशनल गैंग स्टार लगना चाहिए, राजदो का मुकदमा लगना चाहिए? का एनएसए लगना चाहिए जी, एनएसए ही लगेगा, और ये एनएसए ही से ही है, एनएसए ही है ये। इसके अलावा आप तो लाखों लोग देख रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, ये संविधान हर उस गरीब का है, हर उस धर्म का है जो दबा कुचला है। ये संविधान खाली बहुजन का नहीं है जी, ये मुस्लिम का भी उतना ही है, ईसाई का भी उतना ही है, सिख का भी उतना ही है, और ये इन मनुवादियों का भी उतना ही है जो गरीब लोग हैं। ये कुछ मानसिक लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी सड़ी हुई है, जो उससे नहीं निकल पाए हैं, जिनके संस्कार गंदे हैं, जिससे आरएसएस चला रही है, जिसको जो ये सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, इससे उनको निकलना पड़ेगा, और संविधान के बचाने के वो लोग रोड पर आना चाहिए उनको। हमारी अपील है, जो भी देश में सब संविधान से ही जिंदा है, संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो संविधान की रक्षा के लिए उनको घर से निकल के आना ही पड़ेगा और आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी।